गोहाना के मार्गदर्शन व कुशल नेतृत्व में क्राइम यूनिट गोहाना सहित कुल तीन टीम्स को बड़ी कामयाबी मिली। दिनांक 16/10/2023 को शिकायतकर्ता अमित कुमार वासी ललित खेड़ा जीन सुपरवाइजर एनटेक्स कंपनी ने थाना शहर गोहाना में एक शिकायत पेश की। दिनांक 16/10/2023 को सुबह करीब 2 बजे हमारे स्टोर से नाम पता नामालूम दो आरोपियों द्वारा पिस्टल प्वाइंट पर लगभग 20,96,000 रुपए की लूट की गई। मुकदमे में आरोपियों की तलाश की गई और दिनांक 8/11/2023 को क्राइम यूनिट गोहाना ने वारदात में संलिप्त आरोपी अनिल उर्फ टाइगर वासी नई बस्ती गड़ी उजाले खां गोहाना को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की गई। जिसने अपने दूसरे साथी का नाम ललित उर्फ कालू वासी नई बस्ती गड़ी उजाले खां गोहाना कंपनी का पूर्व कर्मचारी बतलाया। इसके कहने पर ही अनिल उर्फ टाइगर ने अपने अन्य साथी संदीप पुत्र सत्यवान वासी नई बस्ती गड़ी उजाले खां गोहाना के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। सलाहकार आरोपी ललित उर्फ कालू को भी उसी दिन गिरफ्तार किया। दिनांक 9/11/2023 को बंद जेल सोनीपत कराया गया व आरोपी अनिल उर्फ टाइगर का माननीय अदालत से 5 दिन पुलिस हिरासत रिमांड हासिल करके गहनता से पूछताछ की गई, जिससे वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी KUV महिंद्रा पिस्टल नुमा लाइटर पिस्तौल कुल्हाड़ी व लूट की गई राशि में से रकम 6,23,500 रुपए आरोपी अनिल उर्फ टाइगर से बरामद की गई। आज रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी अनिल उर्फ टाइगर को भी जिला जेल बंद करवाया गया। आरोपी अनिल उर्फ टाइगर पर पहले भी 2 आपराधिक मामले अन्य जिलों में दर्ज हैं। मुकदमे में आरोपी संदीप पुत्र सत्यवान वासी नई बस्ती गड़ी उजाले खां फरार है, तलाश जारी है, जल्द ही कामयाबी हासिल की जाएगी। लूट की वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया है, ये 16 अक्टूबर की सुबह जो अपने कृष्णा कॉलोनी गोहाना सोनीपत रोड पे फ्लिपकार्ट का गोदाम है वहाँ से जो है तकरीबन 21 लाख की एक लूट हुई थी, जो कि 2 लोग अननोन जो थे वो वहाँ से सेफ उठा के ले गए थे, जिसमें तकरीबन 21 लाख कैश था। और जैसे हमें इसका इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने FIR दर्ज की, 3 टीमें बनाई और उसी सिलसिले में आज हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पहला जो है आरोपी का नाम है अनिल उर्फ टाइगर, पुत्र नरेश वासी नई बस्ती गड़ी उजाले खां गोहाना का रहने वाला है। और जो दूसरा आरोपी हमने अरेस्ट किया है उसका नाम है ललित उर्फ कालू, पुत्र सतीश वासी नई बस्ती गड़ी उजाले खां। तो बेसिकली ये पूछताछ में जो बात निकल के आई है वो ये है कि जो ललित है उसको मैनेजर जो है फ्लिपकार्ट का तकरीबन 1 महीना पहले उसको नौकरी से निकाला था, यानी कि वारदात के 1 महीना पहले। और इसी चीज़ की रंजिश रखते हुए उसने अपने दोस्त अनिल उर्फ टाइगर के साथ मिलकर ये प्लानिंग की। और इन लोगों ने, इनको पता था कि दिवाली आने वाली है, दिवाली की सेल होती है और अच्छा काफ़ी सारा कैश आता है गोदाउन पे, तो इसलिए इन्होंने प्लानिंग करके इस लूट को अंजाम दिया। जी, हमने अनिल उर्फ टाइगर से जो चीज़ें रिकवर करी हैं उसमें एक गाड़ी है KUV महिंद्रा, एक टॉय गन बरामद की है जो इन्होंने वारदात के समय यूज़ की थी डराने के लिए, और कुल्हाड़ी, साथ में लगभग 7 लाख के आसपास कैश बरामद किया है जिसमें से इन्होंने 75,000 जो है वो अपने खाने पीने पे खर्च कर दिए और लगभग 6,20,000 के आसपास कैश बरामद। मैम, इनके साथ अन्य भी और कोई सहयोगी थे इनके जिनकी अभी तलाश की जा रही है? हाँ, इसमें कन्फेशन में एक और उसका अक्यूज का नाम आया है और उसका नाम संदीप है, वो भी इन्हीं के साथ है, नई बस्ती का ही रहने वाला है। उसके लिए भी हमने अपनी टीम बना रखी है, उसको भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की। कौन सी टीम ने गिरफ्तार किया मैम? जी, ये इसमें SHO सिटी और CIA गोहाना, इनकी जो है कंबाइंड एफर्ट्स रहे हैं अरेस्ट करने।